हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं देवरत्न अग्रवाल एशिया टेलीकॉम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बहुत कुछ। तो आज मैं इस वीडियो में नया कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कुछ एक वीडियो में ऐसे लेके आऊँगा जिनमें मैं आपको टूल्स बताऊँगा। सो आज मैं आपको जो टूल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जनरली मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसे महंगे टूलों का यूज़ नहीं कर पाते। जैसे बी ट्रेन का ये काफ़ी अच्छा एक सोल्डरिंग स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है, और ये इसका जो प्राइस है तकरीबन 1,500 रुपये का इसका प्राइस है, और बहुत अच्छा है टूल है। इसमें मैकेनिक का भी आता है, इसमें सनसाइन का भी, बहुत सारी इसमें आते हैं अलग अलग, तो पर बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए अगर वो उनको यूज़ करने के लिए चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की आपको बिट मिलेगी। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे बिट का यूज़ कर देख रहे हैं, ताकि जब मैं इसको EMMC में करूँगा, देखिए जब मैं इसको EMMC करूँगा तो ये डायरेक्ट इसके साथ टच नहीं होगा, और ये अब जो IC के बॉल है उसको अच्छे से क्लीन करेगा। खैर, तो मैं आपको यहाँ बताने वाला था कि बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे महंगे टूलों का यूज़ नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनका बजट कम होता है और उन्होंने नई नई अपनी शॉप खोली होती है और उनको अच्छा काम करना होता है। तो एक टूल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी एक अच्छा टूल है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और इस टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अलग से मैं इस टूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए इस टूल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो टूल है सोल्डरिंग आयरन, जो नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन है, और जिसमें एक हीट रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करने का, एक टेम्परेचर करने का एक आपको नोब भी मिल जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से इसके बिट मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो आप इसके बिटों को देखकर ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे। जो कि प्रो है वो जानते होंगे कि किस बिट का क्या फ़ायदा होता है और कहाँ पर किस बिट को यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी है, इसमें एक IC लेवल तक की बिट दी हुई है कि हम पेस्टेड भी निकालें तो भी काफ़ी एक अच्छा चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, और ये सबसे बेस्ट बिट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर, और इसका आप नोजल भी देख रहे होंगे, मैं आपको नोजल दिखा देता हूँ। प्लस यहाँ पर चलिए, तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको इस तरह की, देखो ये कैप दिखाई दे रही है, जिसको खोल के हम इसको निकाल सकते हैं। सो जो कि नॉर्मल RN में इस तरह की कैपें नहीं आती हैं, ये जनरली इस तरह के में RN में आती हैं, जिसको हम खोल के आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इस बिट का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अनुमान इस बिट का जो प्राइस होता है वो 300-400 रुपये ही होता है सिर्फ खाली इन बिट का। अच्छी क्वालिटी की आप लेंगे तो 900 रुपये और अच्छी जाएंगे तो और भी अच्छी, आपको 1,000 के ऊपर भी मिल जाएगी। कंपनी का फ़ायदा होता है। वैसे ही यही बिट आपको इस RN के साथ काफ़ी फ्री में मिल जाएंगी, और इसके साथ जो ग्रिपिंग आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हीट हो जाता है, तो यहाँ पे ग्रिपिंग अच्छी दी हुई है ताकि हीटिंग भी ना हो और हमें यहाँ पर इसको पकड़ने में आसानी हो, और इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर आपको एक नोब दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है। ये टेस्टेड है तभी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये परचेस करना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है और एक मॉडल नंबर इसके ऊपर डाला हुआ है। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आप अपनी लोकल दुकानों में जा सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, या दिल्ली जाए कहीं से भी खरीद सकते हैं। बाकी एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ZX मलिक एक जेन्युइन डीलर है, ये आपको यही चीज़ ओरिजिनल प्रोडक्ट में देगा ताकि आपके घर तक एक जेन्युइन प्रोडक्ट जाए और आपको मिले अच्छी चीज़ और आपको फ़ायदा हो दोस्तों उससे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यह बेस्ट नहीं है, पर यह कम बजट में बेस्ट है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे तो बेस्ट चाहिए तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, पर अगर आपको, क्योंकि मेरे को ये मैसेज बहुत आते हैं कि सर कम बजट में एक अच्छी चीज़ दिखा दो, क्योंकि कम बजट में भी उनको दिखाना होता है और बेस्ट भी चाहिए उनको, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बिट आप खरीद सकते हैं, ये आपको एक रिव्यू था कि आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इस बिट पर भी एक बार मैं आपको काम दिखा दूँगा अपनी क्लास में किसी स्टूडेंट के हाथों। कोशिश यही करते हैं हम स्टूडेंट से काम करवाएँ। और अगर वीडियो लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। हो सकता है आपको नहीं खरीदना, आपके किसी दोस्त के काम आ जाए। और दोस्तों मैं सच बताऊं, एक अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट है, और आपको खरीदना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर? और UFI में ऑटोमेटिकली कैसे की जाती है, और इसमें IC बेस्टेड निकालना, ब्लैक बेस्टेड, नॉर्मल बेस्टेड, जंप, माइक्रो जंपर,
और ए टू जेड जो प्रोग्रामिंग के जैसे होता है वो दौरान होता है वो हमने सीखा है हम लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पर हम लोग आईसी रिवॉल्विंग करना सीखा और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हम लोग को सर बताए और इतना अच्छा से बताए कि हम लोग के दिमाग में बस गया कि क्या होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहले की बात कि पैरेलल और सीरीज के बारे में जो जानता है वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि एएमसी में हम कर सकता हूँ उसके लिए आप हो गए हैं तो एशिया टेलीकॉम उसके लिए बहुत अच्छा है। और बस और मैंने जो एएमसी में ये सब सीखा उसमें मेरा डम फाइल बूट पार्टीशन क्या होता है, एमसीयू को ब्लैक पेस्ट और वाइट पेस्ट मेरे कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने सब सीखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मोबाइल बनाया है अपना? हाँ, मैंने एक पे सैमसंग का मोबाइल मेरा अपना खुद बनाया जिसमें बूट मेरा डेड हो गया था तो मैंने सर से किया और सबसे पहले दिन बन गया। हाँ, सबसे पहले दिन वो मैंने आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, आपने यूएमसी भी यहाँ से किया, ईएमसी यहाँ से क्यों करने की इच्छा हुई आपकी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या लगा कि एएमसी का नॉलेज पहले नहीं था, अब हार्डवेयर में इतने पक्के बन गए या इसलिए मतलब एएमसी में अब टॉप बन गए? अच्छा, टॉप बन जाएंगे। आपने जो नौ दिन में क्या क्या सीखा वहाँ पे एक मोटा मोटा बताओ? ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखी, यूएफआई पार्टीशन आया था, पार्टीशन सब हो गया, मतलब यूएफआई का काम या जेटेक का काम हम कर सकते हैं। हाँ सर, और आईसी रिबोलिंग तो हमने पहले से पढ़ लेते थे और हमने अपने आपको मजबूत किया होगा और प्लस हमने प्रो उसके साथ आईसी पेस्टेड आईसी निकालना माइक्रो जब करना बहुत जरूरी है। जैसे आज यहाँ तुमने बताया कि एक दो साल से तुम मोबाइल रखे हुए उसका क्या प्लस नहीं हो पा रहा था, वो हैंगिंग में लोगों में था, मुझे दो साल से रखे हुए थे, मैं सोचा कि वहीं जाके इसको सही करूंगा और लेकिन ये मेरा पूरा हो गया। मतलब ये सौभाग्य कि इन्होंने फ्लैश किया। अच्छा, आपको मैं खुद सर उसमें ट्रेस किया और खुद मैं उसमें सॉफ्टवेयर चलाया। अच्छा, प्रोग्रामिंग किया, फिर उसे रिवॉल्विंग किया, रिवॉल्विंग करके किससे किया? यूएफआई से, जेटेक से, जेटेक से किया। आपको क्या लगता है यूएफआई आप कौन सा बॉक्स लेंगे, यूएफआई की जेटेक? सर मेरे लिए तो दोनों सही है, दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। सर मैं चार महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, दो बजे रात को मैं सोता हूँ आपकी वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं चार महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ आने का एक एक दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। कॉइल लगा होगा सैमसंग में, सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैं एक आईफोन दे दूँ और आईफोन में बीएसआई ओपन है तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं, मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है, हम दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की या बात करें पीबी पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का पीबी सप्लाई, आईफोन का पीबी अभी सर ने हमको पिछले दो दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सब लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ चार दिनों में। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे सीपीयू लगा के चालू किया है? यहाँ पर लगाया है सर, वन टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और थर्ड टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को वन टाइम में सीपीयू लगा। रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं? सर रिसीवर की लाइन में सर हमको दो गार्ड मिल सकते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीन पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा? सर वो दो लाइनों के बीच में पैरेलल लगा होगा। वेरी गुड, और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिले, मैनेजर से, पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल, हाँ सर चप्पल, मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगा होगा, चप्पल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट का बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तुम बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखें तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और जब मैं यहाँ आया तो
तो मुझे बहुत कुछ मिला। अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके से। हाँ सर, बी टू बी केबल टूटा हो, आईसीयू के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल किया है। यहाँ मोबाइल में कुछ लाग डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो आई सी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो वाट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी फाइंड ऐसा सिग्नल करते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम, तो यहाँ पर आपको मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। अरे तुम्हारा है तो तुम पर्चेस सही है। अच्छा यार बुक मॉडल तुम्हारा जो है पूरा डिटेल जो तुम्हें काम करता है जो नहीं करता है कंपोनेंट लेवल। अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। I'm also 9001 on 2008 certified institute Asia Telecom Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.